दोस्तों, बहुत लोगों के मसूड़ों में सूजन और दांतों में दर्द की प्रॉब्लम देखी जाती है। कई लोगों के दांत बिल्कुल सड़ चुके होते हैं, कीड़े लग जाते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम देखी जाती है। या फिर किसी को अपने आप ही दांतों और मसूड़ों में उन्हें दर्द महसूस होता है और सूजन हो जाती है। ऐसे में वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, मेडिकल स्टोर से दर्द की दवा मंगा के वो खा लेते हैं। उसके बाद जब तक दर्द की दवा का असर रहता है, तब तक उनका दर्द कम रहता है। लेकिन जैसे ही उस दवा का असर ख़त्म होना शुरू होता है, फिर से दर्द शुरू हो जाता है। और ये उनके लिए बहुत ही परेशानी वाली बात होती है, क्योंकि ना ही वो कुछ खा पाते हैं, ना ही पी पाते हैं, और ना ही कोई काम कर पाते हैं। दर्द से उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। ऐसे बहुत सारे लोग मेरे पास यहाँ भी आते हैं, उन लोगों को सिर्फ मैं 3 दवाएं देता हूँ। इन 3 दवाओं से उनकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। आगे मैं आपको बताऊंगा इसमें कौन कौन सी दवाएं मैं देता हूँ और उन दवाओं को कैसे लेना होता है। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो कर लो लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल जरूर करें, ताकि जब भी मैं कोई मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँ तो वो आप तक नोटिफिकेशन के द्वारा जल्द पहुँच जाए और आप कुछ नया सीख पाओ। तो चलिए देर ना करके हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, दांतों में दर्द हो या फिर मसूड़ों में हो सूजन, जिसे ठीक करने के लिए हमें सिर्फ 3 दवाओं की जरूरत पड़ेगी। इन 3 दवाओं में से जो पहली दवा है उसका नाम है एंजोफ्लम टैबलेट। एंजोफ्लम टैबलेट एक स्ट्रिप की पैकिंग में आता है, और इसे एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट होती हैं, और इस 10 टैबलेट का जो प्राइस है वो है 159 रुपये, यानी 159 रुपीज़ ओनली। कंपनी इसे बनाती है एल्कम लेबोरेटरीज, और कॉम्पोजिशन इसके अंदर होता है, इसमें होता है डाइक्लोफेनक 50 mg, सेरेटियोपेप्टिडेज 15 mg, और PCM यानी कि पैरासीटामोल 325 mg। इन 3 दवाओं को मिलाकर इसे तैयार किया गया है, और आपको इसकी 4 टैबलेट लेके आनी है। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, ताकि आपको परचेस करने में आसानी हो। अब जो सेकेंड दवा इसमें यूज़ होगी उसका नाम है एमिक्लॉक्स कैप्सूल। अभी पहले कुछ दिन पहले मैंने इस पे वीडियो बनाया। एमिक्लॉक्स कैप्सूल एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है, जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से बैक्टीरिया के कारण होने वाले इन्फेक्शन के इलाज के लिए इसे यूज़ किया जाता है। ये एक स्ट्रिप में 10 कैप्सूल होते हैं, और इस 10 कैप्सूल का जो प्राइस है वो है 70 रुपये, यानी 70 रुपीज़ ओनली। कंपनी इसे बनाती है यूनिपैक्स फार्मास्यूटिकल्स, और कॉम्पोजिशन इसके अंदर होता है, इसमें होता है एम्पिसलिन 250 mg, डाइक्लोक्सासिन 250 mg। इन दोनों को मिलाकर 500 mg बन जाती है दवा, और इसकी आपको 4 कैप्सूल लेने हैं। और इसे भी आप नोट डाउन जरूर कर लें, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ जो इसमें थर्ड दवा यूज़ होगी वो है पेंटोसेक 40 mg टैबलेट। पेंटोसेक 40 mg टैबलेट एक स्ट्रिप की पैकिंग में आता है, और इसे एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट होती हैं, और इस 10 टैबलेट का जो प्राइस है वो है 130 रुपये, यानी 130 रुपीज़ ओनली। कंपनी इसे बनाती है सिप्ला लिमिटेड, और कॉम्पोजिशन इसके अंदर होता है, इसमें होता है पेंटोप्राजोल 40 mg, और इसकी आपको सिर्फ 2 टैबलेट लेनी है। ये तीनों दवा आपको हर मेडिकल स्टोर पे बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी। अब मैं आपको बताता हूँ इन दवाओं को कैसे लेना होता है। बहुत ही ईजी तरीके से लेना है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको पेंटोसेक 40 mg टैबलेट जो है वो सुबह खाली पेट लेना है, 1 टैबलेट पानी के साथ। आधे घंटे बाद कुछ खाना है। खाने के बाद आपको एंजोफ्लम टैबलेट और एमिक्लॉक्स में से एक एक दवा लेनी है। उसके बाद फिर शाम को आपको खाना खाने के बाद इन दवाओं को एक एक लेना है। इस तरीके से आपको 3 दिन तक लेना है, आपकी जो ये प्रॉब्लम है पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप ये दवा लेते हो तो इससे क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। जब आप ये दवा लेते हो और लेने के बाद आपको बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होने लगे, तो समझ लीजिए आपको ये सूट नहीं हो रहा। या फिर आपको उल्टी सा मन या उल्टी होने लगे, तो भी आप समझ सकते हो कि आपको ये सूट नहीं हो रहा। या फिर आपको चक्कर आने लगे बहुत ज़्यादा, तो भी आप समझ सकते हो कि आपको ये सूट नहीं हो रहा। या फिर आपके शरीर पर रैसेज होने लगे, तो भी आप समझ सकते हो कि आपको ये सूट नहीं हो रहा है। और जब ये दवा सूट ना हो, तो इस दवा को रोक दें और अपने नज़दीकी डॉक्टर से एक बार ज़रूर मिलें। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपका कोई सवाल हो मुझसे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। हो सकता है रिप्लाई करने में देरी हो जाए, लेकिन मैं जवाब जरूर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। गुड बाय।